और रजिस्ट्री ऑफिस से, अगर इस डाटा संख्या के संबंध में कोई ट्रांजेक्शन हुई है, सेल परचेज हुई है, या इसमें कोई वाद विवाद है, आएंगे तो ये आदेश का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आदेश की तिथि है, इसके बाद लिखा है आदेश देखें, तो इसको क्लिक करने के बाद आप आदेश, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये आदेश जो है उसके बाद दो इसमें आदेश हुए हैं, 15 जनवरी 2018 का, दूसरा है 9/3/2018 का। तो ये आदेश देखिए, ये पीडीएफ फाइल में पड़ा हुआ है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आदेश की कॉपी आपको दिख जाएगी। ये आदेश जो तहसीलदार ने किया है वो ये आदेश का सारांश है, जो आदेश किया गया उसकी पूरी डिटेल। अभी तक पता था आप लोगों को? नहीं मालूम था। पता था सर। जी अच्छा, चलिए आप लोगों को पता, लेकिन ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, हमारे कुछ लेखपालों को भी नहीं पता था, अभी ट्रेनिंग हुई थी। तो ये आदेश की कॉपी आपको यहाँ से मिल सकती है, यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं इसको, ये प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। तो ये सेंसिटाइज करने के लिए डीएम साहब ने कहा था, एक तो ये था कि हमारे आरसीसीएमएस के लोग जो भी आदेश हो रहे हैं वो इसको सेंसिटाइज, इस पर अपलोड कर दिए गए हैं, और इसी तरह से इसको हमने लिंक किया है रजिस्ट्री ऑफिस से। रजिस्ट्री ऑफिस में जितने भी आदेश, जितनी भी रजिस्ट्री हो रही हैं वो सब 1 जनवरी 2019 के बाद सब इस पर अपलोड किए जा रहे हैं। अभी हमारे जनपद में कुछ कम थी, लेकिन डीएम साहब के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सबको अपलोड कर दिया जाए, तो वो भी एक अभियान चल रहा है, 10-15 दिन के बाद सभी जो रजिस्ट्री हैं वो सब अपलोड कर दी जाएगी 1 जनवरी 2019 के बाद जितनी रजिस्ट्री हुई है। रजिस्ट्री अगर आपने देखनी है तो नीचे का जो कॉलम है ये, इसी में दूसरा